नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार 24 और हम हैं आपके साथ गौरव कुमार। बात करेंगे भोजपुरी गानों पर। भोजपुरी गानों पर इसलिए क्योंकि भोजपुरी गाना आजकल बहुत चर्चित है। चर्चित का कारण है कि भोजपुरी गानों में अश्लीलता दिखाई जाती है। भोजपुरी गानों का जो शब्द होता है अश्लील होता है, जिसके कारण हम अपने परिवार के साथ, बच्चों के साथ नहीं देख सकते, ना देख पाते हैं, क्योंकि खुद में शर्म आती है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मगहैया जवान भोजपुरी गानों में अश्लीलता को ख़त्म करने का प्रण लिया है। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं मगहैया जवान के दो जवान, जिनका नाम गौतम और समर सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी और समर जी हमारे चैनल खबर बिहार 24 पर। आपका भी गौरव जी बहुत बहुत स्वागत कि आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे आज जी आमंत्रित किया है। और आपके खबर बिहार देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको भी हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हमारे साथ वो साथ से हाथ से हाथ मिलाकर जी बहुत बहुत और साथ बनाए। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ज़्यादा सेफ तो नहीं कह सकते क्योंकि कहानियाँ देखें, जब से हमने प्रण लिया है इस मुहिम, इस जंग में भोजपुरी से अश्लीलता हटाने का प्रण जब से लिया है, बिल्कुल, तब से हमको धमकियाँ ही धमकियाँ आ रही हैं। तो ज़्यादा तो डिप्रेस नहीं बता सकते, बट ठीक है। आप लोगों गौतम जी और समर जी, हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। गौतम जी हमारा सवाल, पहला सवाल है कि ये क्या पवन सिंह, गुंजन सिंह और खेसारी लाल जो अभी गायक हैं, उनको दोष देना कितना सही है? जी। गाना तो हालांकि पहले भी आता था, लहंगा उठा दे रिमोट से, या फिर जींस ढीला करा, या फिर रिंकिया के पापा, तो तब नहीं अब क्यों? जी बिल्कुल, आपके सवाल का मैं स्वागत करता हूँ। कहानियाँ इस प्रकार से है, मैंने भी कई सारी वीडियो में बोला है कि ये अश्लीलता ना जमाने से परोसे जा रहे हैं, जिसमें गलतियाँ उस समय मनोज तिवारी भी किया करते थे, रवि किशन जी भी किया करते थे, पर आज उनकी रास्ता अलग है। सबसे पहली बात, आज रवि किशन सिंह जी ने भी आदित्यनाथ योगी जी को, नीतीश कुमार जी को इस मुहिम को देखते हुए और इस गंदगी को देखते हुए लेटर लिखा है कि अश्लीलता बंद होनी चाहिए। ठीक है, अगर पहले, इससे पहले किसी ने विरोध ना किया, मैं तो जवाबदार सिर्फ मैं अपना ही हूँ और सवाल मैं अपना ही टैग कर सकता हूँ, तो अगर इससे पहले कोई कदम नहीं उठाया, उसका जिम्मेवार उस पीढ़ी को ठहराया जा सकता है, लेकिन हमने जिम्मेवारी, हम अपनी पीढ़ी और हम नए आने वाले भविष्य के लिए लिया है, जो अब हम इसको आगे तक नहीं जाने देंगे। बिल्कुल पहले भी करना चाहिए था गौरव जी, जैसे आपने सवाल बिल्कुल, किया बिल्कुल, पर लोगों ने नहीं किया। लेकिन एक कहावत है, जब जागो तब सवेरा, और ये काबिलियत अभी हम में आई है और ये जागना अब हम मगहैया जवानों को हुआ है, जो अब चाह रहे हैं कि हम लोग जागे ही रहें। पहले की चीज़ें भूल कर अगर हम लोग बेहतर करें तो बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, यही हम अपने खबर बिहार देखने वाले जन दर्शकों को कहेंगे। बिल्कुल जी। गौतम जी और समर जी, मेरा दूसरा सवाल ये होगा आपसे कि जो अश्लीलता जो गाने में, भोजपुरी गानों में होती है, तो उनको सुपरस्टार भी तो लोग ही बनाते हैं, आखिर व्यू आती है, सुनते हैं, तभी तो वो बनते हैं। जी बिल्कुल, लोग ही बनाते हैं, क्योंकि वो उस गाने को, अश्लीलता को बहुत पसंद भी करते हैं। बिल्कुल, गाना तो हालांकि पहले भी आती थी भोजपुरी गाना, पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है, लेकिन बिल्कुल पहले जो आती थी, यूट्यूब ना रहने के कारण इतना ट्रेंडिंग में वो गाना नहीं चल पाता था, और वो हर टेम्पो में, हर समाज के बीच में नहीं बज पाता था, इसके कारण वो गाना ज़्यादा दूर तक अपना रंग नहीं दिखा पाता था। लेकिन आज का समय ऐसा है जी कि आप सोशल प्लेटफॉर्म, जब भी आप अपने मोबाइल पे फेसबुक, यूट्यूब या कुछ भी खोलें, तो आपको बस वही गाने दिखेंगे जो आप ना पसंद करते हों, लेकिन मजबूरी में आपको वही सुनना ही पड़ता है। बिल्कुल, तो आखिर लोग इस गाने को पसंद करते होंगे, गंदा गाना या फिर असली गाना देखना जी, तभी इतना व्यू बढ़ रहा है लोगों का, उनका व्यू बढ़ रहा है, तभी वो एक सुपर स्टार बन रहे हैं जी। लेकिन एक बात बता दें आपको, हमने जब से मुहिम छेड़ा है, बिल्कुल, तब से हम कह सकते हैं कि पहले जो, अभी मतलब 15-20 दिन पहले जब गाना लॉन्च होता था, वो 100 मिलियन 150 मिलियन तक जाता था,
20 मिलियन 25 मिलियन ऐसे भी जाता था, लेकिन अभी जब से मुहिम चालू किए हैं उसके बाद से व्यूज बहुत कम गए हैं, 2 मिलियन 3 मिलियन बस इतना ही जा पा रहा है। बिल्कुल, बहुत कोशिश करने के बाद भी मतलब कि कह रहे हैं, मतलब कहना यह है कि मुहिम काम आ रहा है, धीरे धीरे काम आ रहा है जी, है ना। और सच्चाई को आगे जाने में समय तो लगता ही है। हाँ वो तो है, धीरे धीरे थोड़ा सा लगता ही है। मगर ये जवान से हमारा ये भी एक सवाल रहेगा कि अश्लील गाना तो महिलाएं भी अब गाने लगी हैं, है ना, कुछ महिलाएं हैं जो गायिका जो हैं वो भी गाने, बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो उनको 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 क्या संदेश? गौरव जी मैं कहूँगा जी बिल्कुल, मैं हम मगहिया जवानों की तरफ से उन लोगों के लिए यही संदेश रहेगा कि हम जवानों को देख लेंगे, हम जवानों को देख लेंगे, और महिलाओं के लिए, महिलाओं को भी हम अपने मंच से पिलाना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी हमने माताएं बहनें वादा कर रहे हैं कि भैया हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हजारों माताओं का हर दिन फ़ोन आता है, हम जलील उन मर्दों का करेंगे और उन लड़कियों का विरोध हमारे माताएं करेगी, क्योंकि लड़कियों को अगर हम कुछ बोलेंगे तो बातें बढ़ती रहती है। आप भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपको भी पूरी तरीके से जानकारी होगी, तो लड़कियों की बहुत हद तक हम अभद्र चीज़ों को नहीं कह सकते, बता सकते, उसके लिए भी हम लोग लगे हुए हैं और बहुत सपोर्ट हमें मिल रहा है। और जहाँ तक लड़कियों की सवाल है तो हम अगर कोई गलत कर रहा है तो ना हम लड़की पहचानेंगे ना लड़का, और बाकी हम लोग तो अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहे हैं इसको जड़ से हटाने को। अब तो गौतम जी ये भी हो गया है कि अब गानों में राज जातिवाद भी आ गया, जैसे पंडित जी चिपक के चुम्मा लेता है तो बाबू साहब पटक के लेता है, तो कभी यादव जी स्टेज पे लेता है, जाने क्या क्या, मतलब इस तरह का अब जातिवाद होने लगा। जातिवाद आने का कारण है क्या है कि जो भी सिंगर्स हैं, जैसे पवन सिंह हो गए वो राजपूत परिवार से हैं, बिल्कुल, खेसारी लाल यादव यादव परिवार से हैं, गुंजन सिंह भूमिहार परिवार से है। अब इसमें आता क्या है, अगर हम किसी भी सिंगर को बोलते हैं तो उनके नाम से बोलेंगे, क्योंकि अगर नाम से नहीं बोलेंगे तो लोग नहीं पहचानेंगे। अब यहाँ पे अगर हम पवन सिंह को पवन सिंह बोल रहे हैं तो उसमें लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि सिंह बोल के क्यों बोल रहे हो, इसका मतलब है पूरे राजपूत समाज को बर्बाद, वो बेइज्जती कर रहे हो। कुछ दिनों तो पहले ये भी, कुछ दिनों पहले यहाँ से शुरू हो रही है, एक सिंगर गायक के द्वारा आपको धमकियाँ भी मिल रही थी कि हम ये कर देंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे जो फैन है वो कर देंगे, ये कर देंगे, तो जी फैंस तो कुछ लीगल वो कर देंगे, लीगल एक्शन लीजिएगा या फिर इग्नोर करने वाले हैं उस चीज को, इग्नोर करके लोग चलते भी है। नहीं, किसी चीज को इग्नोर भी पूरी तरीके से करना तो सही नहीं कहा गया है, इग्नोर नहीं, उनकी बातों को जवाब हम बातों से दिए हैं, बहुत सारे वीडियो देखने को मिला होगा। उन्होंने जैसे गुंडागर्दी से आकर सोशल मीडिया पूरे भारत के लोगों को सुनाया, मैंने भी उन तक बहुत सारे मैसेज संदेशे पहुंचाया कि ऐसी ऐसी कठिनाइयां का सामना उठाना पड़ रहा है, मगहिया जवान वालों से एक्टिव है, लेकिन आज के डेट में उनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। पर किसी प्रकार के हम दोनों जवानों के साथ किसी प्रकार की घटना घटित होता है तो आपका खबर बिहार के जरिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ गुंजन सिंह होंगे, गुंजन सिंह को जाता है, लेकिन हम लोग को धमकियों से फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये मुहिम शुरू किए हैं तो अंत करके हम लोग दम लेंगे। गौतम जी आपसे एक सवाल और रहेगा कि ये अश्लीलता जो गानों में आ गया है, अब ये कब से स्टार्ट हुआ, शुरुआत कब से हुई? इसकी शुरुआत का तो मैं निश्चित कोई समय आपको नहीं बता सकता, पर जब से हमने होश संभाला है तकरीबन 20-22 सालों से, ये कह सकते हैं कि भोजपुरी गाना जो जूनियर सीनियर आर्टिस्ट हैं वही इसकी शुरुआत की। बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल, ऐसे नहीं है कि वो लोग ऐसे एकदम से मतलब बहुत अच्छे ही गाना लाते थे, लेकिन हाँ उस समय जैसे आज भाई ने बताया सोशल प्लेटफॉर्म उस वक्त नहीं था, इतने यूट्यूब नहीं थे, इतने फेसबुक नहीं थे, अभी स्कूल भी बच्चों का बंद हो गया है, हर बच्चे के हाथ में एंड्रॉयड होते हैं तो फ्री रहते हैं, तो गूगल पे सर्च मार के उनका व्यू बढ़ जाता है, है ना, तो ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, तो पहले ये सब चीज़ें नहीं हो पाता था तो लोग के उतना जन जन तक नहीं पहुंच पाता था उनका गंदी गाना, पर अब सोशल की वजह से अब जन जन तक पहुँच रहा है जो लोगों को शायद नहीं पा रहा है। हमारे साथ गौतम जी और समर जी हैं जो मगहिया जवान फेसबुक प्लेटफॉर्म पर इनका एक चैनल है, और मगहिया जवान जी आपसे ये सवाल एक और लास्ट अंतिम आपसे करेंगे कि जो आप मुहिम छेड़े हैं
जो आप प्रण लिए हैं कि भोजपुरी समाज में जो अश्लीलता परोसी जा रही है उसको ख़त्म करने का, ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों बाद आपका व्यूअर्स बढ़ गए, फॉलोअर्स बढ़ गए और फिर आप उसको बंद कर दीजिएगा, मतलब शांत हो जाइएगा कि चलो हो गया जितना होना था अब क्या करना है। ऐसा तो नहीं कि कुछ दिनों कर फॉलोअर्स बढ़ा के लाइक्स बढ़ा के फिर आप भी अपना इस मुहिम को बंद कर दीजिएगा। नहीं 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 नहीं, हमारा उद्देश्य बिल्कुल भी ये नहीं है कि फॉलोअर्स बढ़ाएं। हम अपने वीडियो में डायरेक्टली यही बोलते हैं कि फैन हमें नहीं चाहिए, हमें परिवार चाहिए। इस अश्लीलता को जड़ से हटाने के लिए हमें परिवार चाहिए। और आप एक सवाल करना भूल गए, जैसे इंस्टाग्राम अगर आप अभी चालू करते हैं तो उसमें बिहार की लड़कियां अपना अंग प्रदर्शन करते हुए दिखती हैं उसी अश्लील गानों पे। तो ये हम बिहार के वासियों से यही बोलना चाहेंगे कि अश्लील गाना तो आती रहेंगी या कुछ दिन बाद आना बंद भी हो जाए, लेकिन अपनी बहन बेटियों को ये समझाएं कि उस अश्लील गाने पे अंग प्रदर्शन ना करें, क्योंकि ये आर्केस्ट्रा का अभाव देता है। और जहाँ तक गौरव जी आपने सवाल किया कि यह फैन फॉलोइंग की बात है, तो दर्शकों को मैं 2 सालों से कहता आ रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे कि ना मुझे स्टार्डम चाहिए, ना मुझे फ़ैन चाहिए, ना मुझे पॉपुलरिटी चाहिए। मैं अपने बाप दादाओं या फिर ज़मीनी विवाद के लिए लोगों से नहीं, मैं अपने समाज के लिए लड़ने के लिए आया हूँ। और मैं एक अच्छे जगह पे, हम दोनों भाई कार्यरत हैं, माता रानी की दया से 2 रोटी सुबह शाम खाने के लिए हम लोगों को आता है। तो हम लोग कोई अपना मानसिकता लेकर किसी चीज़ के एक वजह से नहीं आए कि हमको स्टार्डम चाहिए, नहीं भी मिलेगा। मुझे परिवार चाहिए, मुझे अपना जवान चाहिए जो हम लोग गंदगी को साफ कर सके अपने बिहार, यूपी और झारखंड। चलिए, हमारे साथ बहुत बहुत जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद जवान गौतम जी और समर जी, आप लोग दोनों को। और आप तमाम खबर जो हमारे जो चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, और मंगैया जवान को भी फॉलो कीजिएगा और हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी और समर जी। नमस्कार, नमस्कार भैया, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपको भी बहुत बहुत।